बिल के पैसे मांगने पर एक अपराधी ने गणेशपेट परिसर में स्थित अंबिका होटल के संचालक पर चाकू से जानलेवा हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। नेता का पीए बताकर यह व्यक्ति मुफ्त में होटल में भोजन करते रहा है। रुपए मांगने पर बीती रात उसने होटल संचालक पर जानलेवा हमला किया, उसे जान से मारने का प्रयास भी किया गया है। गणेशपेट थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुधवार के दोपहर अदालत में पेश कर उसे पीसीआर में लिया गया। जख्मी होटल संचालक दुर्गा प्रसाद राम नरेश पांडे की गणेशपेट बस स्टैंड के सामने अंबिका और जाधव चौक पे ब्रिज इन नाम से होटल है, जिसे वह भाई अनुज की मदद से चलाता है। बहुत दिनों से उसके होटल में आरोपी ललित राम संजीवन अग्निहोत्री रामनगर वर्धा निवासी भोजन करने आ रहा था, इससे इनमें पहचान हो गई। इस दौरान ललित ने बताया कि वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का पीए भी है, हालांकि वह उनका पीए नहीं है। कुछ वर्ष पहले वह उनके यहाँ काम करता था, लेकिन बाद में उसे काम से निकाल दिया गया। वर्तमान में वह बेरोजगार है। सिर्फ प्रभाव डालने और मुफ्त में भोजन करने के इरादे से उसने झूठ बोला था कि वह पटोले का पीए है। इससे जान पहचान बढ़ाकर वह बहुत दिनों से होटल में मुफ्त में भोजन करते रहा और रुपए मांगने पर वह नेता की थोस जमाते रहा, जिसके वजह से उसके ऊपर 50,000 रुपए की उधारी हो गई थी। ये मामला कल 11 से 11:15 के बीच का है, रात का। उसमें दुर्गा प्रसाद पांडे जख्मी हुआ है। दुर्गा प्रसाद पांडे को आरोपी ललित अग्निहोत्री ने चाकू से वार किया है। इसमें हमने फिरियाद उसके भाई की दी है, आनंद पांडे की फिरियाद में ऐसा लगा है कि हमें कि 2019 से दुर्गा प्रसाद पांडे और आरोपी ये दोनों एक आपस में इनकी मुलाकात हुई थी और जानते थे, और जानने के बाद तब से आरोपी उनके इधर खाना खाता था, कभी कभी पैसा देता था, कभी कभी कुछ रकम उसके पास बाकी थी। और कल वो जो दिखाई पड़ा दुर्गा प्रसाद पांडे को, तो उसमें आपस में वो पैसे के बारे में हो गए कि मेरा पैसा कब दे रहा है, उसके बारे में ये वो झगड़ा हुआ है। और उसमें ललित अग्निहोत्री ने दुर्गा प्रसाद पांडे के चाकू से वार किया था। और ये हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमें तुरंत उसको स्पॉट विजिट किया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। अभी उसकी परिस्थिति अच्छी है और आगे का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 307 के तहत मुकदमा दाखिल है। इसमें जो आरोपी है वो मूल का वर्धा का रहने वाला है और उसके खिलाफ वर्धा और चंद्रपुर में कुछ गुने दाखिल है, 420 या कोई 385 ऐसे गुने दाखिल है। और आरोपी हमारे कस्टडी में है, जो वेपन यूज किया है वो भी हस्तगत किया है हमने और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर ले। आरोपी का जो हमने इंट्रोगेशन किया तो उसमें वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता ऐसा देखा गया है। घटना ये सब ब्रिजिन होटल जो है अंबिका के बाजू में जो होटल है वो उसके रिसेप्शन काउंटर में हुई थी। मंगलवार की दोपहर वह जाधव चौक पर स्थित नए भोजनालय पर भोजन करने गया। खाना खाने के बाद पैसे दिए बगैर ही चला गया था। रात को 11:30 बजे के दौरान वह फिर भोजनालय में आया। भोजन होने के बाद दुर्गा प्रसाद ने उससे दोपहर और रात के बिल का पेमेंट करने को कहा। उसने बताया कि वह दोपहर का बिल पहले ही दे चुका है। भाई से फोन पर बात करने पर उसका झूठ पकड़ा गया। बिल के पैसों को लेकर दुर्गा प्रसाद और ललित का विवाद हो गया। इसी दौरान ललित ने धारदार चाकू निकालकर दुर्गा प्रसाद पर हमला कर दिया। पेट, छाती और पैरों पर चाकू से वार कर जान से मारने की कोशिश भी की। लोगों ने बीच बचाव किया तो दुर्गा प्रसाद की जान बच गई। उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गणेशपेट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ललित के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ललित के खिलाफ इससे पहले वर्धा में आपराधिक मामले दर्ज है, ऐसी जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।